प्रदर्शनकारी किसानों के चक्का जाम के आह्वान के मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। कोई अव्यवस्था न फैलाए इसको लेकर दिल्ली में कई स्थानों पर बैरिकेटिंग की गई। दिल्ली के आईटीओ पर कई लेयर्स में बैरिकेटिंग की गई। साथ ही दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट को बंद कर दिया गया था, जिन्हें अब खोल दिया गया है। किसी ने सही कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। शनिवार को किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम दिखाई दिए। एहतियात के तौर पर मेट्रो ने भी 11 बजे से ही मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, केंद्रीय सचिवालय, खान मार्केट, नेहरू प्लेस और विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए थे। इन मेट्रो स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट बंद कर दी गई थी। हालांकि जिन स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा है वो खुले थे। किसानों का चक्का जाम खत्म होने के बाद अब इन स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट फिर से खोल दिए गए। दिल्ली पुलिस ने पहले से ही दिल्ली मेट्रो को भी अलर्ट कर दिया था। डीसीपी नई दिल्ली ने मेट्रो को पत्र लिखकर शॉर्ट नोटिस पर 12 मेट्रो स्टेशन को बंद करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए पूरे दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज के 50,000 जवानों को तैनात किया गया था। हालांकि किसानों का चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गया। अनिल सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली।